Yeah. Yes. I'll start. So the recording is started and we are sharing the screen. Yes, Neha is reading the chapter. We can start right from the beginning, in fact. The name Have of to the start from the beginning. Yeah. Start from the score. Okay, ma'am. You say grace before meals, all right, but I say Slowly and nicely, so that each and every word is ingrained. Neha, are you there? Neha, are you there? Hello, Yeah. ma'am, did I spell it Yeah, absolutely. right? Okay. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. थोड़ा You स्लो will चलो, have had थोड़ा धीरे, थोड़ा स्लो चलो, सो दैट वी कैन रीड ईच, बिकॉज एवरी वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके. Okay, sorry ma'am. Okay ma'am. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to win a lot of luck. All these या thoughts are दिस इज hoping. रिगार्डिंग कोई भी Yes ma'am. इवेंट होने से पहले, कुछ भी करने से पहले, लेट अस क्रिएट व्हाट द आउटकम यू वांट फ्रॉम दैट थिंग. कोई कॉल करने जा रहे हैं, उसका आउटकम क्या होगा? एक एक कोई इवेंट होने जा रहा है, उसका आउटकम क्या होगा? सो द व्हाट जेके जस्टन इज सेइंग इज दैट हम मील से पहले थैंक यू करते हैं, हम कहीं कुछ प्ले करते हैं उसके बाद थैंक यू करते हैं, हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हम थैंक यू करते हैं, कोई स्केच करते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं, कोई डांस करते हैं. तो नाउ अब ये जो वीक है ना, अभी जितना हमने पहले सीखा, इट इज जस्ट गिविंग अस, हमने थोड़ा भागना शुरू किया, अब हम थोड़ा उड़ना शुरू करेंगे. उड़ने का मतलब होता है कोई भी काम करें हम, वेदर इट इज वॉकिंग, वेदर इट इज टॉकिंग, वेदर इट इज प्रेजेंटेशन, वेदर इट इज व्हाट्स एनीथिंग, मैरिज है, एंगेजमेंट है, व्हाट सो एवर इट इज, जस्ट थिंक ऑफ द आउटकम. उसका आउटकम क्या होगा, क्या चाहिए आपको, यू विजुअलाइज दैट. वो पहले से ही आप डिसाइड कर लोगे. एंड लेकिन डाउटफुल नहीं करोगे. आप ये नहीं कहते आई होप इट गोज वेल, मेरी प्रेजेंटेशन आई होप इट गोज वेल, पता नहीं कैसे होगी, पता नहीं, ये वर्ड यूज करना ही नहीं है. So you have to be sure this is what I'm going to get. That's it. Rest universe will take care of it. Next, yeah, lot of luck. Lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. Now imagine what they are saying. Hope जो है ना, वो काश आ जाती है. Hope से life नहीं होती. Life जो होती है वो किसी चीज से होती है. आप जो हमारी life में, आज की date में जो भी हो रहा है, it is our creation. You believe it or you don't believe it. जो भी हमारे साथ हो रहा है, चाहे वो बिहेवियर वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वर्क वाइज हो, चाहे बिजनेस वाइज हो, चाहे व्हाट सो एवर इट इज बिकॉज ऑफ आर क्रिएशन. सो द लॉज ऑफ यूनिवर्स ऑपरेट. अब ये जो यूनिवर्स का लॉ है, ये मैथमेटिकली एक डिग्री पे काम करता है, और आप उस पे काउंट, यानी कि कितनी बड़ी बात ये राइटर बोल रहा है, और अभी आगे आप चलोगे तो वो बिल्कुल डंके की चोट पर रहा है. और किसी चीज को लिख के पब्लिकली देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. सो आप ये सोचो, ये फेल कभी हो ही नहीं सकता. तो यू नीड टू मेक श्योर वट एवर थिंग्स यू आर गोइंग गोइंग टू हैपन, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन टू इट, और इट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ,
मेक श्योर दैट यू क्रिएट दैट आउटकम ऑफ दैट, कुछ भी हो. यस प्लीज. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float into space. You know there is no chance at play and gravity's laws will never fail. Yeah. हम जैसे ना पायलट चलाता है उसको पता है ना कि मेरा जो प्लेन जो है बिल्कुल सही उड़ेगा, उसको नहीं, लॉज ऑफ फिजिक्स फेल नहीं हो, उसको कॉन्फिडेंस है. ऐसे ही आप फर्श पे चल रहे हो, आपको पता है आप नीचे नहीं गिरोगे, वो कभी फेल नहीं होता है. ऐसे ही ये जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, ये कभी फेल नहीं होगा. टू ट्रस्ट इट. यस. इफ यू वांट मैग्निफिसेंट आउटकम्स टू एवरीथिंग यू डू, then you have to use the laws that govern outcome, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you, and being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. Yeah. So, बहुत simple है, कुछ ज़्यादा नहीं है, but only thing is we have to be present to it. You know, अगर हम use नहीं करेंगे तो वो use नहीं होगा. अपने ये पावर इतनी अच्छी पावर है, इसको करने के लिए आप देखो, आपका चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, हम क्रिएट कर सकते हैं सब कुछ. वो हमारे हाथ में है, वो बात अलग है हम करें ना करें, बट इट विल 100% वर्क. मुझे याद है मैं जब रेकी सीख रही थी तो हमारे जो सर हैं मिस ब्रिगेडियर अजीत सिंह, वो मुझे सिखा रहे थे, कहते हैं इनमें इतनी पावर होती है. जैसे मैंने फ्लाइट लेनी थी और मैं लेट हो गया और मेरे को सारी लाइट जो ट्रैफिक लाइट्स मिली, सारी ग्रीन लाइट्स मिली थी और मैं टाइम पे पहुंच गया एयरपोर्ट में. नाउ जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे समझ आ रहा था ग्रीन लाइट्स क्यों मिली थी. सो इट इज यू हु क्रिएट द आउटकम. सो हमें बेसिकली व्हेन वी आर गेटिंग ट्रेन्ड इनटू दिस मैजिक टेक्निक्स, सो व्हेन वी यूज दिस मैग्निफिसेंट आउटकम्स, so you will see the things will become simpler in your life. You know, हमारी life को complicated बनना ही नहीं है, बिल्कुल सब कुछ तुम्हारे हाथ में है ना, पूरा दिन तुम्हारे हाथ में है. मॉर्निंग जब आप स्टार्ट करते हो तो डे ग्रेटिट्यूड तुम्हारे हाथ में है. कुछ होने वाला है उसका आउटकम क्रिएट करो, वो आपके हाथ में है. चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज इन योर हैंड एंड इट इज गोइंग टू. और अगर फेल हुआ है, so that means there is a lack of gratitude over there, because aap kuch bhi technique karoge, har technique mein gratitude ka hona bahut zaruri hai. Koi bhi sabzi banao usme namak dalna bahut zaruri. Let us move ahead. Yes Neha. Monica, ye jo abhi aapne baat boli traffic light green milne ki and stuff, I was just correlating in my head with clearing, जो हम बात करते थे ना. So is it not the same thing? Because मैंने ये yes absolutely है ना, मैं क्योंकि मैंने ऐसा किया है. जब ILP जाना होता था, if you remember, हम drive पे आते थे, क्या क्या आफत नहीं आती रास्ते में, हम क्योंकि clearing होती थी, हमें पहुंचना है तो पहुंच जाते थे. Intention outcome दिमाग में होता था. Absolutely, this is the same thing. वही मैं समझना चाह रहा हूँ. The terminology is different. हाँ, I got that. But हाँ, it remains the same. Yeah, absolutely. Thank you. Thank you. हेलो. या नेहा, प्लीज गो अहेड. मैम लवली एग्जांपल, जैसे आपने बोला कि सब्जी में नमक होना जरूरी है. हाँ बिल्कुल. ओके, द मैग्निफिसेंट आउटकम्स प्रैक्टिस इज बीइंग ग्रेटफुल बिफोर यू डू समथिंग यू वांट टू गो वेल. यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द वर्क मीटिंग, जॉब इंटरव्यू और एग्जाम, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber or any trade person is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner.
इमेजिन वो प्लम्बर तक का भी एग्जाम्पल दे रहा है कि आप उसका भी आउटकम निकाल दो, आपने प्लम्बर को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वो हम कभी कभी सोच, बिकॉज वी फ्लो विद द सर्वाइवल मोड. अब वो यही कह रहा है कि आप सर्वाइवल मोड में मत चलो, आप एडवांस चलो ना. आपको मतलब हमें कितना अच्छा स्टेप बाय स्टेप ही इज मेकिंग अस, यू नो, ही इज ट्रेनिंग अस इन फैक्ट कि हमें कैसे चलते जाना है. या ग्रेट, यस. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. Ma'am, इसमें समझ नहीं आया. मतलब what is the writer saying कि कुछ लेने से पहले ही thankful हो जाओ उसके लिए. हाँ, that is the way. किसी को आने से पहले भी उसका welcome कर लो. So you could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making. Suppose a birthday gift. Thank you. I am going to take this dress. जो मुझे इतनी सुंदर लगे. आप खरीदने से पहले ही अगर आप बोलोगे मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, इस कलर में चाहिए, you will attract it. So it's again a law of attraction. Universal lawyer आपको मिलेगी. But अगर आप doubt रखोगे तो नहीं मिलेगी. So it starts from thank you. वेडिंग ड्रेस है, कोई नया फोन लेना है, कारपेट लेना है, कुछ भी लेना है. सो यू आर क्रिएटिंग दैट आउटकम फर्स्ट ऑफ ऑल विद ग्रैटिट्यूड. यस. ओके मैम, ग्रेट. यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर अ रिजर्वेशन एट अ रेस्टोरेंट और ग्रेट सीट्स फॉर अ कॉन्सर्ट, द मैग्निफिसेंट आउटकम टू योर डेली मेल, योर डेली ईमेल्स, or your tax refund for the year. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Wow, this is so good. हम इतने दिनों से magic dust की बात कर रहे हैं. Suppose आपके बेटे के स्कूल का फंक्शन है, आपका बेटा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या कोई भी ऐसे, तो आपने कुछ नहीं करना, अपना मैजिक दस्ती है तो इट इज गोइंग टू परफॉर्म ब्रिलियंटली ऑन द स्टेज. आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट ऐसे मैजिक डस्ट उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है, तो ही विल बी परफॉर्मिंग एट हिज बेस्ट ओवर देयर. कोई चाहे इवेंट हो, कोई इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, जस्ट टेक अ मैजिक डस्ट रिटर्न. अगर आपने कभी किसी गुरु के पास गए हो, देखा होगा, तो कुछ नहीं, हाथ से ऐसे घुमा देते हैं कि चलो जी ब्लेसिंग हो गई, ये हो गया. सो दिस इज वॉट इट इज बेसिकली. So you also become a magician. आप किसी का भी कुछ कर सकते हो. But see, it happens if your intention is pure and full of gratitude. Right? Yeah. Okay, ma'am. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for magnificent outcome. Yes. So, आप ऑफिस पहुंचे हो, आपके सर बुला रहे थे, ओ माई गॉड, आज तो फिर वाट लगा देगा मेरी, आज फिर कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ कुछ पकड़ के बैठे होंगे कुछ, यू नो, विदाउट रियलाइजिंग कि उन्होंने बुलाया है. सो वी कैन क्रिएट दैट सीन इन आवर माइंड रादर देन थिंकिंग कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ. और ये एक ह्यूमन डिजाइन है, सबसे गलत सबसे पहले दिमाग में आता है. कोई दो घंटे लेट हो गए, अरे आज कुछ हो गया, इतनी लेट हो गए, दो घंटे हो गए, पता नहीं क्या होगा, कुछ हो ना गया हो कुछ. सो सम रॉन्ग थिंग्स सबसे पहले माइंड में आती. सो दैट इज वॉट दे आर सेइंग, जस्ट मेक श्योर, डोंट कम टू द कंक्लूजन, क्रिएट इट बाय योर मैजिक. सो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है ना कई बार. सो दैट इज वाई यू डोंट कम टू द कंक्लूजन अब ये पक्का होगा ही होगा.
आज तो गाली देगा ही देगा, उस बड़े दिन से मैं देख रहा था ऐसे 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 हो रहा है, आज इस बार तो मुझे डांट पिटेगी ही पिटेगी, पता नहीं क्यों बुला रहा है, पता नहीं क्या है, आज ऐसे कर दे, मतलब यू आर क्रिएटिंग योर सीन योर सेल्फ एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. सो नाउ यू कैन यूज दिस ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड विथ दैट आउटकम, वॉट शुड बी द आउटकम ऑफ दैट. यस ओके मैम, ये भी हो सकता है कि प्रमोशन के लिए बुला रहे हो. हाँ क्रिएट दैट ना. यस मैम. इफ यू मिस योर बस और ट्रेन ऑन योर वर्क ऑन योर वे टू वर्क और मिस अ फ्लाइट और आर अनएक्सपेक्टेडली डिलेड, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस इज बैड, बी ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम सो दैट यू पुट द मैजिक इनटू मोशन टू रिसीव अ मैग्निफिसेंट आउटकम. मिस से वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मिस हो जाए तो इसका मीनिंग नहीं समझ रहा ये बेटी, अब आगे कंटिन्यूएशन में इसलिए मैंने समझाया नहीं था. इफ यू मिस योर बस और ट्रेन ऑन योर वे टू वर्क और मिस अ फ्लाइट आर अनएक्सपेक्टेडली डिलेड, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मेरी तो बस मिस हुई हुई, मेरा तो ये काम हुआ ही हुआ, दिमाग में आप पहले लेके बैठ जाते हो ना भाई मैं बहुत लेट हो गई, बट वॉट यू कैन इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन विजुअलाइज कि इट इज वेटिंग ओवर देयर एंड आप चढ़ जाओगे, हो सकता है वहां कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो. सो दिस इज वॉट यू क्लियरिंग, दिस वी कॉल इट एज अ क्लियरिंग, क्योंकि हमने ही अट्रैक्ट किया तो वो रुक जाएगी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वो आपका आउटकम है कि भी आप उसको कैसे सोचोगे. अब ये नहीं है कि जान के 15 मिनट लेट निकलो तो कैसे पहुंचोगे टाइम पे, है ना. सो जो अपना आउटकम क्लियर है कि मैं टाइम पे घर से निकल और टाइम पे मैं पहुंचूंगी. अब एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था कि तारापुर में ट्रेनिंग्स करने गई थी, देन वी स्टार्टेड फ्रॉम तारापुर से बॉम्बे का रास्ता अराउंड इट इज अराउंड 2.5 to 3 hours का रास्ता है वहां से. तो हम तारापुर से निकले थे, वी स्टार्टेड अराउंड 3:30 to 3:34 निकले थे, तो हमें 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था यहाँ पे और मेरी फ्लाइट थी रात को 9:30 के करीब, ठीक है. बट देर वॉज सो मच ऑफ ट्रैफिक कि मुझे फ्लाइट नहीं मिली. I reached airport around 9:30, जो फ्लाइट जा चुकी थी, मतलब 10 मिनट से जो भी है, और अकेली मेरी नहीं थी, बहुत सारे जो पैसेंजर्स की फ्लाइट मिस हुई थी, तो वो तो नहीं रिमबर्स वगैरह कर रहे थे, कुछ भी नहीं था, बट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक दिस हैपेंड यू नो. बट द स्कूल आई टुक द फ्लाइट जो नी रात की फ्लाइट 10:30 की फ्लाइट लेके फिर मैं दिल्ली आई थी. तो मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर मुझे ये मैजिक पता होता हो सकता है शायद मैं तब वो यूज कर लेती, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि. और मैं गाड़ी पे बैठ के मुझे अच्छे से याद है, आज तो फ्लाइट गई सर, बिल्कुल हम लोग 6-7 ट्रेनर्स थे, तो हम कह रहे थे सर आज तो फ्लाइट गई है तो पहुंचता नहीं, इस ट्रैफिक में मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब वी आर अट्रैक्टिंग दैट थिंग, वी आर सेइंग अमंग आवर ग्रुप कि यार आज तो गया, आज देख अभी तक नहीं पहुंचा ना, अब तो जा ही नहीं सकते, इधर ये भी बंदा है, ये भी बंदा है, ये भी बंदा है. So we are attracting that situation. So we couldn't reach in time. See, few people are unaware, that is one part, but another is people are very casual about it. So वो एक मतलब वो थोड़ी casualness भी लोगों में नहीं होना चाहिए. We should always expect good things to happen. मजाक हो या जो भी हो. अरे यार ये है ना अपने आप हो जाएगा. No. So you cannot take advantage of that. ऐसे नहीं कर सकते आप. But हाँ वो use होगा जब when you have lots of, because अगर आपकी कैजुअलनेस होगी ना तो आपकी ग्रेटिट्यूड नहीं है ना. एग्जैक्टली यस. जब आपका ग्रेटिट्यूड है तो वो कैजुअलनेस नहीं होगी. ग्रेटिट्यूड मींस यू आर एक्चुअली थैंकफुल फ्रॉम द हार्ट. मैम वांट टू शेयर वन वर्ड. या प्लीज. काफी हमारे जो सीनियर्स से अगर एंडमार्क के दे यूज्ड टू से अ वर्ड कॉल्ड कंडीशनिंग इफ यू रिमेंबर. हां यू रिमेंबर द वर्ड कंडीशनिंग. हां द कंडीशनिंग ऑफ एन ह्यूमन बीइंग ऑन द इंडियन सोइल इज कैजुअलनेस. या right from day one. So this comes from here. So the you see an outsider how people in US or in European countries, they are very time punctual. Yeah. And out at this place they are okay, go easy. So this is the word. Yes, so, absolutely. बिल्कुल सही पकड़े हैं. Yes, Neha. Okay, ma'am. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting and
at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. हाँ, स्कूल से कोई लेटर आया तो मेरा बच्चा काम बच्चे पता नहीं बच्चे ने क्या कर डाला, तो ये दिमाग में बहुत बार आता है एज अ पेरेंट. यस, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी एंड एक्सपीरियंस द मैग्निफिसेंट आउटकम यू आस्क फॉर एंड ओकेजनली यू वोंट इवन नो हाउ यू बेनिफिटेड फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction. Ma'am, ये बार-बार mathematical law क्यों बोल रहे हैं? Mathematical इसलिए बोला है कि it is actually a proven fact. Mathematical मतलब with a proper precision. Mathematically इसलिए बोल रहा है ये कि calculation से किया हुआ है ये. ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा है वो. It is a calculated fact. कि ये मैथमेटिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि ये होगा ही होगा. जैसे आपकी लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो आपको गिरने नहीं देगी, लॉ ऑफ फिजिक्स है, इतने सारी आपकी पुली है, ये है, ये खराब नहीं, गलत नहीं हो सकती ना. ऐसे ही ये मैथमेटिकल बार बार क्यों कह रहा है, इट इज अ कैलकुलेटेड वन, उसको गलत हो ही नहीं सकता ये. सो इट इज अ कैलकुलेट, बट यू बिलीव इट और नॉट, बट इट इज अ कैलकुलेटेड वन. ओके मैम. And you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. देखो बोल रहा है guaranteed. एक book के अंदर अपने आप ही guaranteed लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, right? So, yeah. So it is guaranteed that you are going to get the best results. हाँ. Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life. Or thinking you have no control over something, or whenever you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want. Magnificent outcomes. अब आप ये देखो कि वो जो कहता था ना डॉन, जिसको पकड़ना नामुमकिन है, वो बार बार एक ही लाइन बार बार बोलता रहता है, बार बार एक ही लाइन बोलता रहता है, इसलिए वो डॉन है. डॉन को पकड़ना, क्या डॉन को पकड़ना मुश्किल है? 12 मुल्कों की पुलिस, कुछ ऐसा है ना, 12 मुल्कों की. सात मुल्कों की पुलिस डॉन के पीछे, डॉन ग्यारह मुल्क है, ग्यारह चल ठीक है, ग्यारह चार बढ़ा दो यार, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐड ठीक है, 11 मुल्कों की पुलिस. मुझे अच्छे एक वो याद आ रहा है, एक स्टोरी याद आ रही है जो मैं अपने ट्रेनिंग्स में कई बार बच्चों को सुनाती हूँ, कि वो ट्रेन थे कि दो स्कूल्स की हमेशा एक क्रिकेट मैच होता था, तो डीपीएस हमेशा जीतता था, वेयर एज डीएवी स्कूल हार जाता था हर बारी. तो डीएवी जो टीचर होती है वो कहती है कि नहीं इस बार, तो डीएवी बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, और हर बार मेहनत करते थे, हर बार मेहनत करते थे पर हर बार हार जाते थे. इट वॉज अराउंड 7 to 8 टाइम्स दे यूज्ड टू यू नो फेल दैट. तो अब वो जो कहते हैं नहीं सर, हम डीपीएस से नहीं जीत सकते, हमें पक्का पता हम डीपीएस से नहीं जीत सकते. तो उनका जो कोच है वो कहता है नहीं इस बार आप जीतोगे. कहते हैं नहीं सर, हम जीत ही नहीं सकते, उनकी टीम इतनी अच्छी है, उनके इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं, उनके बच्चे इतने अच्छे हैं, वो सब अच्छे हैं. तो उसके उनके कोच को समझ आ गया कि इनके माइंड में वो फोबिया बैठ गया है कि वो जीत ही नहीं सकते डीपीएस के बच्चों से. तो वो रोज प्रैक्टिस वगैरह कराता रहता था. कहता है मैं आज एक पंडित से मिलके आया हूँ और उन्होंने बोला है इस पर्ची पे जो लिखा हुआ है ना वही होगा, इस गेम का जो आउटकम होगा वो यही होगा. तो सारे बच्चे कहते हैं बट मेरे एक शर्त है आपकी, आपकी शर्त यह है कि सब वैसे ही खेलोगे जैसे हमने प्रैक्टिस करी है और आपका यही आउटकम आएगा. अपने माइंड से ये निकाल दो कि हारना है जीतना है जो भी. तो वो पर्ची जो निकाली उसमें कहते द टीम डीएवी इज गोइंग टू विन. तो अब सारे बच्चे के दिमाग में है कि हमने जीतना है, अब तुमने जीतना, अब जीत तुम्हारे हाथ में है, जब जीत तुम्हारे हाथ में तो तुम जीतोगे ही जीतोगे.
तो तुम्हारी आज जीत पक्की है। अब तो पंडित ने भी कह दिया, मैं भी कह रहा हूँ, और अपने माइंड में बिठा लो कि जीत तुम्हारी है। एंड ऑन दैट डे दे वन। सो इट्स बेसिकली इट्स आर फोबिया, इट्स आवर माइंडसेट, जो हम अपने आप को ब्लॉक कर लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते। अगेन इट इज क्रिएटिंग अ आउटकम इन देयर माइंड दैट यू आर गोइंग टू विन। ये बताए, ये आपने जो शॉर्ट में उस तरह से बताई ना, मैं लंबी नहीं करूंगा, लेकिन एक कहानी है, मतलब जो मैंने पहले पॉडकास्ट के लिए सोची थी, इट्स सिमिलर टू एग्जैक्टली दिस कहानी। अच्छा, है ना, इट इज अबाउट, एक बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। ऐसी है कि एक छोटा सा राज्य था, उसके ऊपर ना एक बड़े राज्य ने आक्रमण करने का प्लान कर दिया। ठीक है, वो छोटे से राज्य का जो राजा था वो एकदम परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास ना इतना सैन्य बल है, ना यू नो चीजें हैं फाइनेंशियली, या वो जो उस बड़े राज्य से लड़ सके। और वो परेशान परेशान उसने अपना कोर्ट रूम में बुलाया सबको, और वहां पर उसने सबसे पूछा, तो सेनापति ने तो बोल दिया, जो वहां के सेनापति थे, कि महाराज इट्स अ फ्यूटाइल एफर्ट, हम इनसे मतलब जीत नहीं सकते, हमें इन हार मान के इनके अधीन होना ही स्वीकार करना चाहिए। राजा कोई बात जमनी नहीं, और सारे मंत्रीगण मोस्टली होते थे, लेकिन जो उप सेनापति था वो ये कह रहा था कि नहीं, हम अगर सही स्ट्रेटेजी से लड़े, सही वो करें, तो इसपे हमें हम जीत सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं शॉर्ट इसे काट रहा हूँ स्टोरी के बीच बीच से। तो फिर हम जो, फिर राजा जो है घूमते घामते एक सन्यासी से मिला, ठीक है, बाबा से मिला, और बाबा से मिला तो उसने अपनी परेशानी बताई, तो बाबा ने उसे बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा और तुम ही जीतोगे, ये रेस्ट श्योर। ठीक है, बोले अच्छा, तो बोले तुम एक काम कर रहा, तुम्हारे कौन है सेनापति, उसका मतलब बातचीत में समझ गया। बोला सेनापति को इस युद्ध से हटाओ, उप सेनापति को सेनापति बना दो इस युद्ध के लिए, ठीक है, और उसको मेरे पास भेज देना, मैं समझा दूंगा कैसे। अच्छा, उप सेनापति ने क्या किया, ये मतलब एक्चुअल स्टोरी है, रास्ते में चलते चलते, मतलब ये तो उस जमाने में तैयारी शुरू कर दी, उस जमाने में मैदान पहुंचने में भी टाइम लगता था जिसमें युद्ध होना है, तो रास्ते में एक मंदिर पड़ा, तो मंदिर में ही उसने चार शाम के, सायकाल हो रहा था जैसे, शाम के 4-5 बजे, तो उसने मंदिर में कैंपिंग के आसपास ही कैंपिंग करा दी, तो जो करंट सेनापति हो गया। और वो एक टोकरी वोकरी लेके वो मंदिर एक थोड़ा चढ़ के था पहाड़ पे, तो बोला मैं मंदिर में पूजा करके आ रहा हूँ, और मेरे को उन्होंने बाबा ने जो मिला था उन्होंने कुछ मंत्र मंत्र चीजें दी है, और मैं वो करके आ रहा हूँ, और उससे शायद हमें पता लग जाएगा कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। ठीक है, वो टोकरी वोकरी उसकी पैक थी, वो लेके ऊपर गया, और वहां पर उसने 1-1.5 घंटा लगाया जो भी किया, और नीचे आके बोला अगर इस मंदिर में से रात को प्रकाश निकलेगा, ठीक है, तो हम समझो हम ही जीतेंगे, अगर नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, तो अब रात होने का वेट कर। रात होने का वेट किया, और वहां खूब जगमग प्रकाश निकलने लगा, उस सेना को यकीन हो गया कि हम ही जीतेंगे। तो बस आप, मैं शॉर्ट कट रहा हूँ, तो वो जीत गए। बेसिकली उस बंदे ने क्या किया था, उस बंदे ने जाके खुद ही दिए जलाए सारे। अच्छा। अब वो जो क्योंकि दिन की रोशनी थी तो वो दिए तो दिखेंगे नहीं तुम्हें। ठीक है, सारे उसने वही सेटअप किया उसने पूरा, ठीक है, जैसे ही लेकिन रात होने लगी तो वो दिए हो चाहे वो मोमबत्ती जो भी लगाई वो सब रोशनी फिर बिखरने लगी ना। लगा के वो खुद ही आया था, कोई मंत्र नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन सैनिक में क्योंकि विश्वास भर गया कि हम जीतेंगे, एक्चुअली दे वॉन द वॉर अगेंस्ट दैट इवन बिगेस्ट ऑफ एनिमीज। So that is the power of belief. That is the power of outcome, basically. Outcome, yes. Yeah. Great, great. Thank so you. We have to increase our expectancy. So that is all it about. We have to expect good things are coming, right? Yeah, yeah. The outcome, whatever you want the outcome to happen. What kind of outcome you want from the meeting with your boss? What is the outcome? आपका अपना अपना क्या सोच है? एक देखो, यू आर शोइंग ग्रेटिट्यूड, आपको पता है कि आपका क्या आउटकम होना चाहिए, क्या आप चाहते हो। बेसिकली सी एवरीथिंग, यू आर द पिवोटल पॉइंट, यू नो व्हाट यू क्रिएट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब कहने का मतलब है कि हमें हर तरीके से कॉन्शियस रहना होगा, हमें वही सोचना होगा, वही चीज हमें, तो जितना हम कॉन्शियस होंगे तो तभी वो चीज होगी। ऐसे तो हम कैजुअली चलते हैं, हो रहा है ना सब कुछ आपसे ही शुरू हो रहा है। सो यू हैव टू बी मेक श्योर कि आप आउटकम क्या चाहते हो सकता है जो आपने सोचा उससे और अच्छा आउटकम निकले, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ग्रैटिट्यूड। करेक्ट, हाँ, यस ma'am, there is a quote, when you believe you are already halfway down,
तो somewhat it relates. हाँ, yes, yes. क्या? Should I continue? Yeah, yes, please. Okay, ma'am. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hope and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude. Yeah. Knowing gratitude becomes your way of life. अपनी जिंदगी का तरीका बना लो इसको. तो automatically आपकी life में वही होगा जो आप चाहोगे. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude. जो चीज आप gratitude से करोगे वो आपको मिलेगी ही मिलेगी. Yes. Okay, ma'am. This will Knowing make that, life more easy, I would say, if we are in the space of gratitude. Knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more the magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. Yes. Also, no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. बस अब slowly and steadily आपका जब ये practice बन जाएगी तो wrong situations में आप आओगे नहीं. So whatever you create, you are getting it. Whatever you create, you are getting it. Provided you are in the mode of gratitude. Yes. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like the magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you. What is humdrum? हमड्रम एक्टिविटीज जो है जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज जो होती है ना जो कि अनमोल इसका क्या मीनिंग है भाई हमड्रम का डेली कोर्स रेगुलर एक्टिविटीज ही होंगी रोजाना की रोजमर्रा एक्चुअली इसका नाम है रोजमर्रा की एक्टिविटीज ओके मैम यू विल बी रियली कन्विंस्ड दैट यू आर अट्रैक्टेड द मैग्निफिसेंट आउटकम Example, you could choose to drive to work, doing the ironing, going to bank or post office, picking up the kids, paying the bills or collecting the mail. Make a written list of 3 situations you have choose for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Now, activities बता रहा है humdrum का मतलब होता है lacking excitement यानी कि boring activities जो होती है जो बिल्कुल वो लगेंगे bill pay करना ये अटरम-पटरम जो activities है तो bore है मतलब उसमें कुछ excitement नहीं है so वो होती है humdrum activities lacking excitement और variety boring monotonous normally जो रोजाना के काम होते हैं ना जो जैसे मेरे जैसे आदमी के लिए जो disciplined lifestyle है मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत ही boring हो जाता है तो उसके लिए अच्छा है जैसे आजकल दूध लाना सबको घर में से मैं नजर आता बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लॉकडाउन है ना अच्छा तो ये अब ये क्या करना है आपने 3 लेनी है सिचुएशंस उसके अंदर आपको ये अप्लाई करना है विद ग्रेटिट्यूड चाहे पेइंग ऑफ बिल हो चाहे कलेक्शन ऑफ कुछ मेल्स हो कुछ भी पोस्ट ऑफिस कुछ भी काम करना है सो यू हैव टू चूज एनी 3 Make a written list of 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power as you write each one. Imagine that you are writing about each one after it has happened. आपने लिखना कैसे है?
thank you for the magnificent outcome to whatever you want it to happen, you write it over here. Next, for the second step. For the second step of this magical practice, you are going to choose three unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take three phone calls or before you open three emails or three letters in the mail. Before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words, thank you for the magnificent outcome too. You can't do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in the situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Yeah. Thank you, thank you, thank you, Neha, for reading the chapter. Thank you, and thank you, Neha, for reading this chapter. Thank you so much. Thank ma'am. You, sir. Please. Ma'am, I just... Oh, yes, sir. Go ahead, Anmol. Excuse me, 1 minute, guys. Sir, please, sir, mat bulao yaar, Anmol, mera naam. Thank you. Sir, I am very small. मैं नाम से जानना चाहता हूँ, मुझे बुढ़ापा महसूस होने लगेगा. Don't tell me, मतलब अनमोल उसे देखो बिग बना दिया देख. नहीं, इतना बड़ा नहीं बनना है यार. अरे, मुझे बच्चा बनना है, मुझे बच्चा बनना है. मैं नेहा से भी छोटा हूँ. शेरू ने स्क्रैच किया अगर तभी पता चलेगा. क्या नाम से बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेकी और पूछ लो यार, ऐसी क्या बात कर दी यार, वीडियो चलाते हैं. ये देखो, देखो यार, यंग इनोसेंट मासूम चेहरा है. इसको तुम सर बुलाओगे तो बेचारा चेहरा बुरा बन जाता है. Okay, thank you, Neha, for creating this. This is such a beautiful chapter today we had, on Anmol ko dekhte hue lagta hai ye wala to ye already bachpan se karta aa raha hai, magnificent outcomes. Are main aapko sorry, main tab se taras raha hu kuch batane ke liye. I want to tell you. Theek hai, matlab mujhe nahi pata, dekho kar raha hu but pata nahi tha. Mujhe bachpan se na darwaza bhedu pehle, theek hai. बचपन से ना मैं ना मेरे पापा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड रहे हैं, ठीक है. बचपन से जब भी मुझे लगता था ना आज गड़बड़ हो गया और पापा मार देते पूरा, मतलब लाते घूसे झापड़ कमी नहीं छोड़ते थे पिताजी मारने, ठीक है. तो मैं जब होता था ना, मुझे याद है, आज भी याद है वो चीज, मुझे पता नहीं कैसे वर्क करती थी, आज पता लग गया. फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर जब भी क्लास, मुझे याद है मैं सोचता था पिताजी का चेहरा देख के, हमेशा इंटेंशन इसे कहते हैं, आज नहीं मारेंगे यार, आज नहीं मारेंगे, ठीक है, आज नहीं होगी मार, आज नहीं पड़ेगी मार, कुछ भी हो जाए, ठीक है. डर लग रहा होता तो लेकिन दिमाग में चल रहा था आज नहीं पड़ेगी भाई, आज नहीं पड़ेगी. ओ भाई साहब, उस दिन नहीं पड़ती कसम से, ठीक है. वो बात अलग है कि जिस दिन नहीं करता था उस दिन फिर पड़ जाती थी, कोटा पूरा कभी ना कभी हो जाता था, लेकिन उस दिन स्पेसिफिकली उस दिन कभी नहीं पड़ती जिस दिन मैं सोचता था कि आज नहीं पड़ेगी. हाँ, तो मैंने ये टेक्निक सीख ली थी अपने आप ही खुद ही. दिस इज आउटकम, दिस इज व्हाट यू आर जनरेटिंग आउटकम. यू शेयर्ड टू थ्री थिंग्स अर्लियर आल्सो वेयर यू टोल्ड अस दैट यू क्रिएटेड इट, राइट. सो दिस इज व्हाट यू आर ऑलरेडी लिविंग दिस लाइफ. जो तुमने याद है तुम्हारा पर्स जो पार्सल में आया था. हाँ हाँ, मेरे तो दो चार बार आ चुके, दो तीन चार बार आ चुके. सो दिस इज अगेन अ मैग्निफिसेंट आउटकम दैट यू क्रिएटेड. एंड But again, you need to show lots of gratitude to it, lots of things. That's right.
अरे इसका असाइनमेंट तो पढ़ी नहीं हमने मैम, मेरा क्वेश्चन था वहीं पर ही। हाँ, I had a question to ask. हाँ, एक मिनट उसी फ्रेज पे आ जाओ लास्ट वाले पे बिफोर द असाइनमेंट। या हियर हियर द लाइन सेज, हाँ द लाइन सेज ना, नहीं 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 मैम प्लीज कम पेज बिफोर। But practicing it today will get you into the idea of it, and in the future, if you are able to find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Now they are telling that if you ever find, ma'am, हमारी तो सारी situation ही ऐसी है। So here I am coming कि भाई हमारी गाड़ी तो जुगाड़ में चलती है भाई, क्या यही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो बात कर रहा है कि कब भी ऐसी सिचुएशन ना, ये तो सारी सिचुएशन ही है। यूएस का है भाई, यूएस की है। You have just entered the life of gratitude. When you have lots of gratitude, you will automatically create that. You know, we are talking about, you have to come to that level of gratitude. तब आप सिचुएशंस को बात, वो ये कर रहा है कि कभी कुछ ऐसा आइडिया, वो तो ठीक है, वो तो बेचारा अपनी तरफ से ही कह रहा है, बट अगेन अभी तो हमारी ग्रेटिट्यूड की जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी वी स्टार्टेड अट्रैक्टिंग यू थिंग्स नो, वी नीड टू रेज आवर बार अप सो दैट वी कैन क्रिएट। व्हेन यू सी, व्हेन यू मेक इट अ प्रैक्टिस, ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट हैपनिंग एज अ ऑटोमेटिक काइंड ऑफ अ थिंग इन योर लाइफ, यू नो। तो वो प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है ना, अभी आप अप्लाई करेंगे तो प्रैक्टिस होगी। आप जो टॉप थ्री है उसका टॉप, जैसे 10 है उसमें से टॉप थ्री आप चूज करिए, उस पे देखिए क्या चीज, टॉप थ्री चूज करिए। यू फील यू हैव मेनी थिंग्स, या इफ वी हैव मेनी थिंग्स देन वी कैन चूज टॉप थ्री आउट ऑफ इट। उसको रैंकिंग कर दीजिए आप। हाँ, तो प्रायोरिटी पे होगी ना, उस पे करो। हाँ, जैसे आई हैव डिसाइडेड कि मैं मेरी बेटी के साथ बहुत हार्मोनियस एंड बहुत अच्छा फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन होगा। सुबह उठते से मुझे उसको बोलना पड़ता, चल तैयार हो, स्कूल है, ये है। सो आई हैव डिसाइडेड कि आई अप्लाई दिस फॉर दैट कॉन्वर्सेशन। You know, it makes a difference, you know, it actually makes a difference. I am going to then apply it, for my trading. Profitable trading. Profitable trading. Sujata ne bilkul sahi pakad liya, bilkul. Great. Perfect. और मैं सच बताऊं, इसको मैं यूज कर रही थी अभी, मैं जब अपना कोर्स बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मैं बताती हूँ ना, सोशल मीडिया के लिए मुझे कोई मिल नहीं रहा था, बट मैं विजुलाइज ही करती हूँ कि मेरा काम हो रहा है और ऑटोमेटिकली पर्सन इज कॉन्टेक्टिंग मी, और मेरा काम, वो अलग काम चल रहा है, मेरा अपना काम चल रहा है, तो इट इज हैपनिंग, इट इज एक्चुअली हैपनिंग, और रोज कोई ना कोई मैजिक अपने आप हो रहा है कि कभी किसी से बात हो रही है, कभी किसी से बात, ऑटोमेटिकली थिंग्स आर हैपनिंग। सो मैम, मुझे आपसे इस पूरी कन्वर्सेशन में लोगों के एक्सपीरियंस है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्वड इज कि हम लोग बहुत ज्यादा रिजिड हैं अपनी कन्वर्सेशंस को लेके। जो बच्चे हैं ना मैम, आई थिंक दे आर वेरी ओपन, उनके अंदर कोई किसी तरीके का नहीं है, मतलब वो जो सोच रहे हैं आई थिंक दे क्रिएट इन देयर फिंगर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ग्रेटिट्यूड तो है, चलो जैसे भी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है दे आर हैविंग द पावर्स। वो पावर्स क्यों है आप बताओ, क्यों, क्या रीजन है पावर्स की बताओ? Because they don't have any complaint. वो pure और genuine soul है यार। ये pure और soul है, उनको मेरी grudges आ रही हैं। हमारा जो gratitude है, हमारा gratitude zero हो जाता है हमारी complaining mode से। बच्चों के अंदर कहाँ होती है complaints? इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, इसने, उनकी complaining mode कम होती है। They are pure souls. So the moment they say, उनके बोलने का तरीका, उनका वो चीज, वो जो आपने वैल्यूज दिए, वो ऑटोमेटिकली इट हैपेंस, यू नो। और हम लोग, हमारे पास तो सबसे पहले भैया किसी ना किसी को ब्लेम कर देंगे, हमारा ये काम नहीं हुआ बिकॉज ऐसे हो गया, अरे तुमने लाइट खुली छोड़ दी, सॉरी कहने में, अरे नहीं वो ना मैं दो मिनट के लिए नीचे गई, वी हैव गॉट रीजंस टू से दैट। नहीं, सबसे अच्छी बात नहीं रहता है हमारे पास पेशेंस नहीं रहता है कि उसको एक्सेप्टेंस नहीं है, reasons to say I am right. Yeah, very right, man. सबसे अच्छी चीज ये है कि बच्चों के पास कभी देखा है कि वो अगर नाराज भी हो जाए, अपसेट हो जाए, रोने लगे, किसी के बारे में कंप्लेन भी करो, दो मिनट बाद तुम दो मिनट बहुत देर बता रहा हूँ, वो एकदम से तुम कुछ चॉकलेट दे दो, कुछ और चीज दिखा दो, वो एकदम खुश होके खिलखिला उठेंगे, अरे भूल जाएंगे अपना गम, कंप्लेन सब भूल गए, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, तीन दिन तक तो मुंह फुला रहेगा, बात ही नहीं होगी।
अपनी ईगो है ना, हमने पाल पोस हमने पाल पोस exactly, बड़ा ईगो, ईगो ईगो भी तो अपनी है ना बड़ी मैम. इस बात से ये जो अनमोल ने बोला चॉकलेट, I've seen lot many people they distribute candies और बच्चों को देते हैं, बच्चे ऐसे खुश होते हैं. I can see their expressions और वो शायद कहीं ना कहीं the lady must be doing for the gratitude कि वो बच्चों को ही टॉफी देती थी. Now you got it. मैं बताऊँ बच्चों की जो gratitude तो ठीक है, बच्चों को gratitude थोड़ा होता है लेकिन मन से बोलते हैं. लेकिन दूसरी चीज उनकी जो हैप्पीनेस की स्टेट है ना, जो वाइब्रेशन है हैप्पीनेस की, जो खुशी अंदर से है, और वो जो है ना वो जो वाइब्रेशन है उस हैप्पीनेस उस प्योरिटी की, वो यार तुम हम लोग मतलब सॉरी टू से मैच करना ही बहुत मुश्किल है. क्योंकि हमें जोवियल मतलब 32 टीथ आउट थे उनके मैम, मतलब आई हैव नेवर सीन. वही तो मैं कह रहा हूँ, हम कितनी बार उतनी खुशी से कितने पल जीते हैं, वो 24 घंटे में 23 घंटे वैसे जीते हम. 24 घंटे में शायद एक घंटा वैसे जीते, मतलब जस्ट गिविंग एक घंटा भी नहीं, एक घंटा भी कहाँ, मतलब जस्ट गिविंग रैंडम एग्जांपल. और जितना मर्जी अच्छे से अच्छा गिफ्ट दे दिया, तुम उस वाइब्रेशन तक पहुंच ही नहीं सकते. और उनके सिर्फ एक चॉकलेट, एक टॉफी, एक कोई चीज, कुछ पेन ले आओ, कुछ वो ले आओ, दे आर हैप्पी लाइक एनीथिंग. सारी दुनिया, अरे आप चॉकलेट टॉफी मत दो, आप मोबाइल में कुछ दिखा दो, एक कोई कुच्ची कुच्ची कर दो, हग कर दो, उसी में इतना खुश हो जाते हैं, नाचना शुरू कर देंगे. That is good. I also learn a lot from my daughter. कि उसको डांट पड़ो तो वो भूल के. शिल्पा तुम्हारा ना जाएगी चीज है, अभी हमको सीखना चाहिए उन लोगों से. Absolutely, we should learn. You know, अगर if you really want to go out, just look, be like a child. You know. अभी मैं बिलियनर माइंडसेट का आर्टिकल्स वगैरह जब लिख रही थी, उसके अंदर यह था बी लाइक अ चाइल्ड, यानी कि वो लोग जितने भी अमीर लोग होते हैं, जितने भी रिच लोग होते हैं, दे ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट द ग्रैटिट्यूड फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द किड्स. अगर आपको उनके जैसा बनना है ना, तो आपको किसी की बात का असर ही नहीं होगा. बिल्कुल नहीं ऐसा. किसी ने कुछ कह दिया, तुम तो पहले 10 बार उसको बहस करने बैठ जाओगे कि देखे तुमने क्या कैसे दिया, तुमने ये बात फिर कैसे कह दी. वो इंटेलिजेंट है ना, गाड़ी के पीछे कोई हॉर्न बजाते तो मैम उसके बाद तो फिर आप समझ ही सकते. हाँ तो अरे भाई ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन मेरा इतना जबरदस्त था, लेकिन मैंने खुद आंसर ढूंढा. 2 दिन से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आगे से कोई भी, मैं सोच रहा हूँ इसमें ग्रेटिट्यूड कैसे दूं, क्योंकि मेरे वही जो विक्रम ने मेरे मुंह से ऐसे निकल, मतलब मुंह से ना भी निकले तो दिमाग में आने लगता है. तो मैं बड़ा कंट्रोल करके कह रहा हूँ, अच्छा हाँ ठीक है, ग्रेटिट्यूड दे रहा हूँ मैं आपको फॉर दी कार, चलो ड्राइव सेफ तो कर रहा हूँ, ठीक मैं तो ठीक चल रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ है, सो आई एम ट्राइंग टू गिव ग्रेटिट्यूड. लेकिन बड़ी मुश्किल है यार ये. आदत, इतनी आदत पड़ गई है ना. और वही बच्चे तो दिल खोल के, मतलब दिल खोल के करते, मतलब उनका बच्चों का जो दिल होता है ना, वो तुम वो ही नहीं कर सकते, मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी, क्योंकि उनके अंदर ना किसी के लिए कोई कंप्लेंट है. उनके लिए दूसरे बच्चे, चाहे वो नीगरों के हो, कोई भी, उनको दूसरे बच्चे बस खेल रहे हैं, दैट्स इट. इनका मकसद तो खेलना है, उनको कुछ नहीं चाहिए किसी चीज से. मेरी मम्मी बचपन में मैं हेलो शिल्पा तुम्हारी आवाज ना कट कट के आ रही है, पता नहीं चल रहा. मैंने कहा मैं बचपन में मेरी बेटी को ऐसे लिफ्ट में लेके जा रही थी, और एक लेबर था, मतलब उसके कपड़े वगैरह ऐसे, इतनी बड़ी स्माइल उसको देख के पास कर रही है, और ऐसे खिलखिला के हंस रही है. मेरे को देख के इतना अच्छा लगा कि आई मीन डजंट मैटर राइट कि क्या है कपड़े पहने ब्रांड. जो मेरे घर के बगल में धोबी होते थे, मजदूर होते थे, उनके बच्चों के साथ खेलने चला जाता था, है ना. मैं तो मस्ती से खेल रहा हूँ, मेरी मॉम पकड़ पकड़ के मुझे ला रही है, क्या कर रहा है ये, अपने कपड़े गंदे कर लिए, कीचड़ में पेल लिया. मतलब जो बच्चे खेल सकते हैं कंचे उठा के कंचे, अब मेरे को तो खेलने के लिए कोई चाहिए बस, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो कौन है क्या है, मेरे को क्या करना है. So, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है. इफ यू रियली वांट टू रेज योरसेल्फ, यू हैव टू लाइक अ चाइल्ड, जिसको किसी, मुझे ऐसा लगता है कि हमने हमारी किसी को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, जिसके अंदर कंप्लेन मोड नहीं है, कुछ नहीं, कहां से बनना पैदा करोगे अपना वो बच्चा. इट्स लाइक यू नो बी एक्सपेक्टेशन को
मुझे ऐसा लगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ दिस ऑल स्ट्रेस. एब्सोल्युटली भैया, हम बोल रहे हैं तो तुम्हें हमारी बात माननी है, हम बोल रहे हैं तो उसको सुनना पड़ेगा. क्यों? मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन ही नहीं खत्म होती है. हम एक बोलते हैं ना, एक देते हैं ना, भी और दस एक्सपेक्टेशन सबके साथ में से भी. डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग. यस. सो प्रैक्टिस नंबर 21, मैग्निफिसेंट आउटकम्स. काउंट योर ब्लेसिंग्स. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स. राइट व्हाई यू आर ग्रेटफुल. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number two, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Number three, list your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. You have to write it down. Number four, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel thank you for the magnificent outcome too. मैंने जब first time इसको करा था ना, तो हमारे घर में मैंने पहली बार लूडो खेली थी. ये जो खेल रहे थे तो मैंने कहा कि आज मैं पहली बार ही खेल रही हूँ, आई शुड विन, आई वन द गेम. सारे हैरान हुए, तू पहली बार खेल रही है, पहली बार मैं जीत गई. और जब मैं ये बोलती थी 6 आ जाता, जब मैं ये बोलती थी 6 आ जाता, मतलब इट वाज अमेजिंग. इतनी खुशी हुई. वाओ वाओ वाओ. पहला मैं काश मैं तुम्हारा पार्टनर होता. सो नंबर 5, जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टुनाइट, होल्ड योर मैजिक रॉक इन वन हैंड एंड से द मैजिक वर्ड, थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे. अमेजिंग. थैंक यू मैम. ग्रेट. थैंक यू एंड थैंक यू. सो it was a wonderful session. Anybody wants to say anything? Or sab log baithe hain. Mereko question hai. I have a question. Yeah. Ye difference kya hai 0.4 mein and 3 mein? Matlab humne 3 ki list to nikal li. Second, third, fourth, same hai. Second, third, fourth, it's same. Haan. Okay. So it's in the beginning of the day we have to do it. Haan. वो करो, रात को कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैम कल तक का टाइम है, जैसे कल डे में क्या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है. मैजिक तो सवेरे से लेकर रात तक. एनीथिंग यू वांट टू क्रिएट एज अ मैग्निफिसेंट आउटकम. एनीथिंग. मेरे को भी कुछ बोलना था. ये इसमें मतलब हम लोगों को पहले तो 10 अपने ब्लेसिंग्स लिखनी पड़ेंगी हमें आज की, कि हम किसके लिए ग्रेटफुल हैं. उसके बाद फिर हम 3 सिचुएशन चुनेंगे जिनके लिए हम मैग्निफिकेंट आउटकम चाहते हैं. वो आज कल और परसों भी हो सकती है. उसके बाद जो है हम आज की 3 चुनेंगे, लाइक मतलब एक एक 3 चुनेंगे जो आज के लिए हो. आप आज के लिए चूज करो, आप कल के, आपके पास कल शाम तक का दिन है, किसी के लिए चूज करो, सो दैट इट हैपेंस क्विकली. यू नो दैट इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट फॉर यू टू प्रूव दैट दिस हैपेंस. यू नो मैंने किए थे और बहुत अच्छे से. नहीं, मैंने भी कर रखा है बहुत बार, मेरे साथ हमेशा होता है. मुझे पता है तो खूब प्रैक्टिशनर है मैजिक की, क्रिएटिव मैजिक इन योर फील्ड इन एनी केस. Just trying to do it. Second, third and fourth same hi hai. Anybody? Kamaljeet, you want to share? Neetu, Sangeeta? Ma'am, I just want to say something. Hanji, boliye. मैम एक्चुअली एज आई टोल्ड यू, मैं एक साल पहले तक डिबेटर थी तो मैंने छोड़ दिया था. तो रिसेंटली मेरे साथ बहुत स्पीच में प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं बहुत जल्दी बोल जाती हूँ, तो पीपल यूज टू बी लाइक कि कुछ समझ नहीं आता. सो मैम अभी 2-3 डेज बिफोर ओनली आई वॉज लुकिंग सम कोर्स, डिस्टेंस स्पीच पे वर्क कर पाओ या कुछ भी ऐसा. सो आई एम फीलिंग वेरी लक्की कि आपने मुझे टोका. एंड मैम मुझे भी इसी चीज पे वर्क करना है, अपनी स्पीच पे. मुझे जहाँ बोलने का मौका मिले या कुछ ऐसा हो जिससे मैं अपनी स्पीच पे वापसी ठीक कर पाऊँ. मैम मेरे को बहुत अच्छा लगा आज मुझे बोलने का मौका मिला. आई एम रियली वेरी थैंकफुल. आपने मुझे पॉइंट आउट भी किया, बिकॉज मुझे अभी इसी चीज पे वर्क करना है बहुत ज्यादा. बिकॉज मैम मेरा ड्रीम है कि मैं वापसी अब डिबेटिंग में जाऊँ, पर अब गैप पड़ गया तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ सुधारने का. बहुत अच्छी बात है, एफर्ट्स हमेशा काम करती है. From next, आप reading कुछ भी reading करो ना, just do it in front of the mirror. Mirror को देख के करो. नया देखा तो है. 4 line करो, 5 line करो, start looking into the mirror, you will get confidence in reading.
देखा नेहा, यू गॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. दिस इज अ वैलिड प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन माय फ्रेंड. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज. तुम जो चाहते थे वो हो गया. दिस इज व्हाट यू अट्रैक्टेड. दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. And sir, thank you to you and Vikram sir also. I don't know if I'm spelling the name rightly. आप लोग ने मेरे को ऐसे बोल के motivate किया. Sir, एक साल का gap पड़ा तो I'm very demotivated and I try to. अरे motivation की क्या ज़रूरत है? यहाँ इतना motivation मेरा पड़ा है. मैम थोड़ा होता है because मैम demotivated demotivated से एक word नहीं निकलता and she's unstoppable. Hello Neha, if you want any time of motivation, you can always reach out to me. Yeah. थैंक यू मैम. मैम मतलब इस सेंस में नहीं, आई ट्राइड बट लोग यही बोल रहे हैं कि आप बहुत तेज बोल जा रहे हो. तो मैम अब आई जो भी आप बोलोगे वो लोगों को पसंद आएगा. दिस इज द मैग्निफिसेंट आउटकम. यस मैम, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. तो थैंक यू आप लोग ने अभी बेटे ने सबसे पहला टिप. यू आर अ वंडरफुल रीडर. You are a wonderful leader. बस अपने अंदर ये गांठ बांध ले. तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो. You read very confidently and fluently. And start doing it. कोई problem नहीं है. कोई कहीं किसी से कम नहीं हो तुम. You are extraordinary. Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Sujata, ma'am. Really means a lot. Ma'am, थोड़ा मेरे अंदर डर बैठ गया. अभी पहले नहीं था कि लोग क्या बोल रहे हैं. You can call me Sujata D. Okay, ma'am. Great, Neha. Great. Good you shared these things and keep asking. Rose, aao. Apne aap. Yes, ma'am. 5 days tak tumhara kaam ho jayega. Sure, ma'am. This is a booster. Booster session. Kuch aur hi lag raha tha yahan par. Okay. कमलजीत नीतू, तुमने कुछ और काम भी शुरू किया क्या मलिका? तुम्हारा काम इस तारीख तक हो जाएगा. माल वहां पहुंचा देना. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग कमलजीत. यस आई हैव समथिंग टू शेयर. यस्टरडे ओनली यू सेड कि तुम लोग वो चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे या कुछ भी. दैट वेदर यू आर प्लानिंग योर डे अकॉर्डिंगली कि आज ऐसा ऐसा ही होगा. And you won't believe, आज से दोबारा से it was you know 1st July तो rejoin करना था सब online classes के लिए. And you won't believe, I am not left with any of the teacher with so and so reasons. One has been shifted to Chandigarh, one has some dental problem, other one has her exams. So I was left with one teacher and I have to run you know the online classes for entire play group or all the sessions. I was so worried. Yesterday only I you know gave a gratitude कि नहीं मुझे पता है बहुत ही बढ़िया जाएगा. और मुझे कंफर्म्ड है कोई पेरेंट से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी कि आज वो टीचर नहीं है. आज ये टॉपिक क्यों करवाया या ऐसे क्यों हुआ. बिल्कुल ब्रिलियंट जाएगा. एंड मैम यू वोंट बिलीव आज जो मेरा सेशन गया ना मुझे एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है. वाओ इट वाज वंडरफुल. Because I wanted to have everything in my classes कि मुझे slide भी चाहिए, मुझे हर एक slide का color भी ऐसा चाहिए, सब वो चीजें चाहिए. और वो चीजें मैंने खुद बनाई बैठ के. और I presented, मैं ही इसके ड्यूल कर रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ. एंड I did it. Great. So I think we can do anything with the gratitude. You can do anything. You can create anything. You can create anything. Congratulations. Thank you. It was possible just because of you. No, ma'am. It's your efforts. You know. Basically, it's your effort. And when you implement magic in your life, you will get the results, no matter what. Thank you, ma'am. Yes. Great. Anybody else? Neetu, you want to share something? Jyoti. Hi Didi, good evening. Thank you so much. I just want to thank you everyone for their feedbacks. So it really motivates me. Motivate but ruke jaya karo, practice kar liya karo bas. Yahi hamara maqsad hai. Right. Yes. Keep practicing. See, basically we are here to practice the things, you know. The more you practice, the more results you are going to get. And that is in your life. Take charge of your life and just go ahead and do it. Every time, jo ye last year 10 din hai, we are
क्रिएटिंग न्यू टेक्निक्स जो कि एक पावरफुल जिसे कहते हैं ना लास्ट की पावरफुल टेक्निक्स है ये सारी जो कि आपको एकदम से रिजल्ट दिलाएंगी. सो दीज आर द टेक्निक्स प्लीज यूज देम. यू नो प्लीज यूज देम. ग्रेट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय. Bye. Love you. Thank you. Thank you everyone for sharing. Yeah. Thanks. Thank you.